आज हम बनाएंगे मैगी का चिल्ला। इसके लिए सूजी लें, उसमें थोड़ा नमक डालें और उसमें थोड़ा मैदा डाल के पेस्ट बना लेंगे। फिर हम मैगी लेंगे फ्राई पैन मैगी बनाने के लिए, उसमें पानी डालकर उसमें मैगी डालेंगे। उबालने के लिए थोड़ी देर मैगी छोड़ दें। मैगी को अच्छे से हिलाएंगे ताकि ये जल्दी पानी में उबल जाए। इसमें मैगी मसाला, मिर्च, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर डाल के अच्छे से हिला के फिर उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। मैगी को फिर मिक्स करेंगे अच्छे से। मसाला मिक्स हो जाने पे उसे थोड़ी देर उबलने के लिए छोड़ें। इस तरह से चेक करेंगे बीच बीच में मैगी सिक गई है या नहीं। जब तक इसका पानी सूख ना जाए इसको उबालेंगे। अब हमने जो पेस्ट तैयार किया है मैदे और सूजी का, तवा गरम करके उस पर थोड़ा घी लगा के उस पेस्ट से हम चिल्ला बनाएंगे। इसके लिए हम उस पेस्ट को तवे पे डालेंगे और अच्छे से चम्मच लेके फैला देंगे। और उसको अच्छे से दोनों तरफ से सेकेंगे। पहले उसके एक साइड सिकने का इंतजार करेंगे। साइडों में एक घी डालते हुए उसे सेकेंगे। जब ये सिक जाए तो उसे इस तरह से चेक करेंगे कि अच्छे से सिक गया है। सिकने के बाद ही उसे अच्छे से पलटेंगे। इसे धीरे धीरे तवे से अलग करेंगे ताकि ये हमारा टूटे नहीं। अब हम इसे पलट देंगे और इसकी दूसरी साइड इसी तरह सेकेंगे थोड़ा घी लगा के। चम्मच से दबा के सेकेंगे ताकि ये कच्चा ना रह जाए। अब इसमें हमने जो मैगी तैयार की थी वो इसमें डालेंगे, डाल के इसका रोल बनाएंगे जैसे हम दूसरे चिल्लों में देखते हैं वैसे। मैगी डाल के उसे दबा देंगे और जैसे सिक जाएगा तब हम उसे उतार लेंगे और प्लेट में डाल के सर्व करेंगे। ये भी हमारा दोनों साइड से अच्छे से सिक गया और मैगी इसके अंदर हमने फिल कर दिया है। ये देखिए हमारा चेला बनके तैयार है और हम अभी इसे सर्व कर देते हैं।